सो गाइस, आज हम करने वाले हैं एसके कार्निवल, जिसको हम नैनोप्लास्टिया भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है और ये नो फॉर्मल डीआईड है, जैसे कि केराटिन में पाया जाता है। सो गाइस, सबसे पहले हम क्लाइंट का जो है हेयर वॉश करेंगे, और हेयर वॉश जो हम कर रहे हैं वो क्लैरिफाइंग शैम्पू से करेंगे, और दो शैम्पू हमें करने हैं। दस मिनट के दो शैम्पू लगा के इनको एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है गाइस, इसी तरीके से आपको शैम्पू करके क्लाइंट को सर्विस चेयर पे लेकर आना है, और अच्छे से आपको ड्रायर करना है, यानी कि 100% आपको ड्रायर करना है, फुल्ली हीट पर ड्रायर करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कूल हीट पे करना है, आपको फुल हीट पे ड्रायर कर सकते हो, अच्छे से सुखाना। और बाल आप देख सकते हो, नीचे जो हेयर है काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी हेयर है। और गाइस, इनको मैं आपको बता दूं, इनका ग्लोबल था और साथ में ट्रीटमेंट था। ग्लोबल हम कंप्लीट कर चुके हैं, इनको हमने ग्लोबल जो किया था वो हमने किया था 7.83 का ग्लोबल किया था। अभी कलर इतना नहीं दिख रहा है क्योंकि बाल गीले हैं, आफ्टर रिजल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेट देखने को मिलेगा। तो गाइस, बाउल में हम प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं। ज़्यादा कभी भी अगर आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि गाइस से प्रोडक्ट भी वेस्टेज होता है और प्रोडक्ट डीएक्टिवेट भी हो जाता है। प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा करके निकालो, चाहे आपको बार बार निकालना पड़े, क्योंकि गाइस ज़्यादा बाउल में देर रखे रहता है तो प्रोडक्ट ना डीएक्टिवेट हो जाता है। और इसको हमें एप्लीकेशन करनी है, रूट से छोड़कर एप्लीकेशन करनी है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एप्लीकेशन है इसकी, अगर किसी ने इसको यूज़ किया होगा तो उसका रिजल्ट मेरे को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी उनको, क्योंकि उनको पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा पसंद आया होगा। अगर जिसने ये एसके कार्निवल का नैनोप्लास्टिया यूज़ किया है, कमेंट करके गाइस मुझे ज़रूर बताना। और गाइस, फाइन सेक्शन लेके ऐसा नहीं है कि आपको करना है, आप थिक सेक्शन भी ले सकते हो, लेकिन आपकी एप्लीकेशन जो है वो अच्छे से हेयर में हो जानी चाहिए। एंड्स पे है थोड़ा सा कॉम फंस रही है, क्योंकि ऑलरेडी इनके बाल जो थे कलर टेटेड हेयर थे, थोड़ी थोड़ी बालों में नीचे प्रीलाइट हो रखी थी, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले हाईलाइट करा रखी थी, तो वो नीचे आ गई थी। ऊपर जो हेयर थे वो वर्जन हेयर थे, और नीचे जो हाईलाइट आ रखी थी वो अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि गाइस हमने 7.83 कलर इनको किया है, और जो 0.8 आपको पता है वो मोका कलर होता है, तो वो क्या करता है, हाईलाइट्स वगैरह को सबको दबा देता है, एक चॉकलेट सेट में उसको ले आता है। जैसा कि देखो, एप्लीकेशन जब हम कर रहे होंगे तो आपको हल्का हल्का चॉकलेट की फॉर्म में वो सेट दिख रही होगी, देखिए रिफ्लेक्शन आ रही होगी ब्राउन कलर की। तो गाइस क्या होता है ना कि गीले बालों पे कोई चॉकलेट कलर हो गए, ये मोका वगैरह, या फिर ब्राउन, कॉपर ब्राउन, महोगनी ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ये गीले बालों पे ना इतनी वाइब्रेंसी इनकी नहीं दिखती है। ये सब आपको भी पता होगा, क्योंकि गीले बालों में ये शेडें नहीं दिखती है। ब्लोंड हो गया, प्रॉपर कॉपर हो गया, फंके शेड्स हो गई, ये थोड़ी बहुत जो है वो दिख जाती है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखती है। देखो अभी आपको बाल भी हल्के, मतलब रूट से ब्राउन दिख रहे होंगे, बाकी सब नेचुरल ब्राउन लग रहे होंगे। ठीक है गाइस, एप्लीकेशन आपने देख लिए कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन करनी है, इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन करनी है। प्रोसेस जो है गाइस का थोड़ा लंबा है, क्योंकि गाइस ये सेम डे वॉश है, इसलिए इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, और तीन प्रोडक्ट इसमें यूज़ होते हैं, जैसे कि एक प्रोडक्ट हमने और लगा दिया है अभी तो, और दो प्रोडक्ट जो है इसके वो हम शैम्पू सेक्शन पे यूज़ करेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर देखना कि इसके दो प्रोडक्ट और है वो किस तरीके से यूज़ करना है, और उनकी क्या क्या टाइमिंग रहेगी। गाइस, एसके का ये कार्निवल जो है ये प्रीलाइटेड हेयर के लिए एक अलग वेरिएंट्स में आता है, जो ब्लू कलर का होता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई भी है, आप जाकर देख सकते हैं। उसका जो वेरिएंट्स है उसको रियो के नाम से जाना जाता है, एसके कार्निवल रियो के नाम से। वो प्रीलाइटेड हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है, और जितने सेंसिटाइज हेयर होते हैं, ब्लीच करे हुए और काफ़ी ज़्यादा बन टाइप के हेयर होते हैं ना, तो उनके लिए वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और ये वर्जन, एफ्रो कर्ली, हिना कोटेड, डाई कोटेड, इन सब के टेक्सचर पे ये इजीली से वर्क करता है। और गाइस, इसका रिजल्ट जो है ना, आपको अप टू 90% स्ट्रेट मिलता है। ठीक है गाइस, अप टू 90 मतलब समझ रहे हो आप, आपको 90% स्ट्रेट ईजिली मिल जाएगा। और कंपनी जो होती है वो आपको पता ही है, थोड़ा सा जो है अप टू 90 बता रही है, लेकिन इसको आप करके देखिएगा, आपको 100% स्ट्रेट मिलेगा। एफ्रो कर्ली हेयर पे आपको 90 मिल सकता है, लेकिन जो हमारे एशियन हेयर होते हैं ना, नॉर्मल एस वेव वाले, थोड़ी जो वेव होती है या थोड़ी एक्स्ट्रा असिस्टेंट वेव होती है, तो उस पर आपको 100% स्ट्रेट मिलता है, 100%।
वो इनको भी अच्छा खासा स्टेट मिल जाएगा। गाइस एप्लीकेशन जो है हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद हम लगाने वाले हैं क्लिंग रैप। क्लिंग रैप हम लगा देंगे पूरे हेयर पे, मतलब बालों को सेक्शन क्लिप से क्लिप कर देंगे, देन क्लिंग रैप हम लगा देंगे। और गाइस इसकी जो टाइमिंग है वो 1 घंटा रहती है, ठीक है गाइस 1 घंटा इसकी टाइमिंग रहती है, लेकिन हम इन क्लाइंट को 45 मिनट रखेंगे क्योंकि हमने इनके हेयर पे कलर भी किया है और बाल ऑलरेडी कलर ट्रीटेड हेयर थे, तो बाल थोड़े से थे जो वो थोड़े से सेंसिटाइज थे एंड से, तो काफ़ी ज़्यादा थे। तो आफ्टर 45 मिनट्स बाद वेट करने के बाद हमने क्लिंग रैप निकाल लेंगे, और सेक्शन क्लिप निकालने के बाद एक बार हम थोड़ा जो है प्रोडक्ट को देखेंगे किस तरीके से किस फॉर्म में वो पेनिट्रेट हो चुका है। तो हम कॉम करेंगे, कॉम आपको करनी है सेक्शन बाय सेक्शन निकाल के कॉम करनी है, देखना कि टैंगल्स तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है गाइस, क्योंकि अगर कहीं टैंगल्स आते तो आपको समझ जाना है कि वहाँ प्रोडक्ट गड़बड़ हो सकती है, वहाँ प्रोडक्ट अच्छे से नहीं भी लगा होता है, तो वहाँ टैंगल्स आने की प्रॉब्लम आती है। तो देखिए अच्छे से आपके जो हेयर है कॉम निकल जानी चाहिए। एंड्स जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी है कलर की वजह से, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आराम से रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि इस प्रोडक्ट को मैं काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ कर चुका हूँ, और अगर आपको भी इसको यूज़ करना है तो एक बार मेरी कहने पे यूज़ करके देखना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है गाइस, क्योंकि इसको मैंने यूज़ किया है पर्सनली, मेरे को अच्छा लगता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ट्रीटमेंट की वीडियो तो बनाते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं दिखाते ना प्रोडक्ट के बारे में बताते, तो उनका कोई बेनिफिट भी नहीं होता वीडियो बनाने का। तो गाइस इसको हम रिंस नहीं करेंगे ना वॉश करेंगे, हम केराटिन में जैसे आप करते हो ना वैसे ही आपको ड्रायर करना है। केराटिन में क्या है ना, पहले हम कूल की तरफ आते हैं, फिर मीडियम हीट पर आते हैं, फिर फुल्ली हीट पर आते हैं, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आपको 100% हीट पर ही ड्रायर करना है, क्योंकि गाइस ये जो प्रोडक्ट है ना ये हीट में ही पेनिट्रेट होता है, ठीक है। और ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ब्लो आउट ट्रीटमेंट भी होता है, ठीक है गाइस, इसको ब्लो आउट इसलिए बोला जाता है क्योंकि केराटिन में देखा है आप, तो हम हेयर को सुखाते हैं फिर ब्लो ड्राई करते हैं फिर आयनिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम हेयर को जस्ट सुखाएंगे, लेकिन हेयर थोड़ा टाइम लगता है सुखाने में, मैंने आपको बताया थोड़ा प्रोसेस जो है वो थोड़ा लेंथी है, लेकिन सेम डे वॉश भी है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ ड्रायर करना है और डायरेक्ट प्रेसिंग करनी है, आपको ब्लो ड्रायर बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए इसको ब्लो आउट ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, ठीक है गाइस, क्योंकि गाइस क्या होता है ना ब्लो ड्रायर इसमें आप ना वैसे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका जब प्रोडक्ट लगा होता है ना तो क्या होता है बालों में काफ़ी ज़्यादा ना हैवीनेस आ जाती है, बालों में थोड़े टेंगल से बनने लग जाते हैं, प्रोडक्ट जब लगा होता है तो वो उलझते हैं, देखो इस तरीके से उलझते हैं, सुखाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए इसमें ब्लो ड्रायर आप कर भी नहीं सकते, अगर आपको करना है तो आपका वो टाइम वेस्ट भी है, क्योंकि इस प्रोसेस में ब्लो ड्रायर है ही नहीं, शायद ये ब्लो ड्रायर मना भी उन्होंने इसीलिए कर रखा है क्योंकि इसमें ब्लो ड्रायर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गाइस, केराटिन में तो काफ़ी ज़्यादा इजीली से हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं है, देखा होगा आप देख भी रहोगे मेरी जो फिंगर है बाल सिंगल भी उठा रही है तो सारे एक साथ आ रहे हैं। और गाइस प्रेसिंग हम स्टार्ट करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन प्रेसिंग करनी है आपको, फाइन सेक्शन लेके, सबसे जो आप फाइन सेक्शन ले सकते हो तो वही करनी है, और एक सेक्शन पे आपको 15 से 16 बार रिपीटेशन करने हैं। जी गाइस नैनोप्लास्टिया की जो खासियत और इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो यही प्रेसिंग है गाइस, आप मानोगे नहीं 15 से 18 बार आपको रिपीटेशन करने हैं, अगर बाल थोड़ा हल्का है तो 12 बार आपके लिए बहुत है। और जैसे जैसे हमारी देखिएगा इस प्रेसिंग जिस सेक्शन पे हो रही है उस पर देखिए कलर भी विजिबल हो रहा है, दिख रहा होगा आपको कि कलर भी इनका विजिबल, जैसे जैसे हम सेक्शन बाय सेक्शन चलेंगे वहाँ वहाँ जो प्रेसिंग ज़्यादा हमारी होती जाएगी वहाँ पर कलर की जो वाइब्रेंसी है वो आपको प्रॉपर दिखेगी, क्योंकि इनका अभी हमने ग्लोबल कलर किया हुआ है, ग्लोबल कलर अभी हमने किया था इनका, और उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, मैंने आपको बता दिया 7.83 कलर मैंने यूज़ किया था। और देखिए जहाँ हमने बाल सुखाए वो ब्राउन कलर जो है वो भी दिख रहा है। और गाइस इस प्रोडक्ट की मैं खासियत भी आपको बता देता हूँ, जैसा केराटिन हमारे हेयर कलर को फेड करता है, कलर को लिफ्ट कर देता है 1 से 1.5 लेवल,
ये सबसे ज़्यादा मतलब कलर को लिफ्ट कर देता है, जैसे कि 3 से 4 लेवल तक ये लिफ्ट तक ले जाता है। और हमारी क्लाइंट ने कॉपर ब्राउन कलर मांगा था और हमने इनको देने से मना कर दिया था, क्योंकि हमें भी पता है जब हम कॉपर करेंगे फिर ये ट्रीटमेंट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ब्रासी बन जाएगा वो, तो इसलिए हमने इनको जो शेड दी थी वो डार्कर शेड दी थी मोका कलर की। मोका आपको पता है चॉकलेट ब्राउन है, तो वो इतना ब्रासी नहीं बनता, क्योंकि हमें पता है हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, तो इनको कॉपर ब्राउन से भी ज़्यादा प्यारा ये कलर लगेगा, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमने इनको बता दिया था कि इस तरीके की शेड 7.83 करेगी तो आएगी, इनको काफ़ी ज़्यादा वो शेड पसंद आई थी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा कलर कर रहे हैं कौन से ट्रीटमेंट के साथ, और वो कितना लिफ्ट होकर कैसा दिखेगा ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ताकि क्लाइंट को भी बाद में कलर पसंद ना आए तो आपको कलर चेंज करने में दिक्कत हो जाएगी। अब कैसे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपने उस हेयर पे कर दिया ट्रीटमेंट। आप कोई सा भी डेवलपर यूज़ करोगे, अगर थोड़ा सा 40 करना भी पड़ जाए ना तो बाल रफ हो जाएगा। और गाइस, आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे सलून से रिलेटेड, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो गाइस वो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने विजिटिंग कार्ड दिया हुआ है, उस पर हमारा एड्रेस और नंबर दोनों चीज़ मेंशन है, तो आपको हमारे सलून से रिलेटेड कैसी भी इंक्वायरी चाहिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, हमारे सलून का जो एड्रेस है कार्ड पे मेंशन है, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, हमारा जो सलून का एड्रेस है वो रोहिणी सेक्टर 17 मेन मार्केट राकेश मेकओवर के नाम से गाइस, ये न्यू दिल्ली में है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो है गाइस हमारी प्रेसिंग ख़त्म होने वाली है, फ्रंट सेक्शन पे भी हम आ गए हैं, और कलर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा जो कलर है अभी वाइब्रेंट दिखेगा और थोड़ा सा जो है सबटल हो जाएगा वॉश के बाद, क्योंकि अभी अभी प्रेसिंग हुई है और हेयर के जो पिगमेंट है वो बहुत ज़्यादा हीट में एक्टिवेट हो जाते हैं, तो कलर थोड़ा सा वॉर्म की तरफ जाकर जाता हुआ दिखता है, वो जब आप वॉश करोगे तो वो सबटल हो जाएगा। और देखिएगा इस कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, इसका रीज़न यही है क्योंकि नैनोप्लास्टी है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है इस ट्रीटमेंट में, इसलिए ज़्यादातर सलोनों में ये नैनोप्लास्टी रखते नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो दिक्कत हो जाती है और क्लाइंट भी अटेंड करने पड़ते हैं। तो गाइस ये देखिए कलर आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा प्रेसिंग लग रही है वहाँ वहाँ कलर आ रहा है। तो गाइस जैसे कि अगर आपको ये ट्रीटमेंट करना है और आपके क्लाइंट ने कोई वार्म कलर मांगा है जैसे कि 7.3, तो आप उनको ये ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप उनको 5.3 या 4.3 कलर करें, वो डेप्थ अपना 7.3 पे ट्रीटमेंट के बाद चले जाएगी, थोड़ी सी जो डेप्थ है वो थोड़ी सी गिरा के ले चले, ठीक है, थोड़ा डार्कर शेड में लेके चले तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप 7.3 करोगे फिर ये कलर करोगे तो वो तो 10.3 से भी ऊपर कलर दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा गोल्डन 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 दिखेगा, उनको वो कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। आपने कलर तो अच्छा किया होगा लेकिन वो ट्रीटमेंट की वजह से लिफ्ट हो जाएगा कलर, ठीक है गाइस। तो आपको हमेशा नैनोप्लास्टिया वगैरह कर रहे हैं, आप किस ब्रांड का कर रहे हैं उसकी नॉलेज पूरी लेके रखिएगा, कि ये अभी SK का है हमें पता है इतने लेवल लिफ्ट करता है, अगर आप दूसरे ब्रांड का कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कितने लेवल लिफ्ट कर देता है कलर को, अगर सेम डे हम कलर कर रहे हैं। अगर आप सेम डे भी नहीं कर रहे हो ना, उसको भी लिफ्ट करता है, थोड़ा कम करता है, आज ही कलर किया है आज ही ट्रीटमेंट किया है तो उसको वो ज़्यादा ही लिफ्ट कर देता है। अगर आप वर्जन हेयर पे कर रहे हो तो उनको लिटिल बिट चॉकलेट की शेड में ले आता है, उस पर भी वो कलर अच्छा लगता है उसमें भी, क्योंकि क्लाइंट को ब्लैक से सीधा ब्राउन के सीरीज में ले जाते हैं, और ब्राउन कलर आप सभी को पता है ब्राउन कलर सभी को पसंद आता है, चाहे उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो या फिर फेयर हो, ठीक है गाइस, बस डिपेंड करता है कि आप उनको कितनी डेप्थ में रख रहे हो, और ये जो डेप्थ का जो खेल है सारा वो आपका ट्रीटमेंट के ऊपर है कि वो कितने लेवल लिफ्ट दे देता है। मतलब नॉर्मली जो कैरेटीन है वो तो 1 से 1.5 और अच्छी कोई कैरेटीन है वो आपको मुश्किल से मुश्किल 1 लेवल लिफ्ट देगी, ठीक है गाइस। अब ऐसा नहीं है कि अब जो ये सारे एडवांस ट्रीटमेंट आए हैं ये तो सबसे ज़्यादा लिफ्टिंग दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट भी अच्छा खासा दे रहे हैं जो कैरेटीन नहीं दे पाती है। और गाइस ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुकी है आइनिंग और लास्ट, और देखिए आपको कलर भी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आपको कलर गाइस कमेंट करके बताना। देखिए काफ़ी ज़्यादा प्यारा शेड आया है, जैसा कि आपने बिफोर में देखा था वो ब्लैक ही दिख रहे थे या फिर थोड़े से ब्राउनिश दिख रहे थे जैसे सूखते जा रहे थे,
लेकिन एक्चुअल में जो शेड 7.83 की आती है वो इतनी डेप्थ की नहीं आती है, ट्रीटमेंट के बाद आई है। हमें पता था कि ट्रीटमेंट के बाद ये डेप्थ आ जाएगी, इसलिए हमने कम डेप्थ में इनका कलर किया था। गाइस प्रेसिंग के बाद 10 मिनट आपको वेट करना है। सेकंड प्रोडक्ट हमारा ये एसके का SOS है, दूसरा ये एसके एंजॉय का मास्क है। ठीक है गाइस, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमने क्लाइंट की प्रेसिंग करी है उस पे जो प्रोडक्ट लगा हुआ है, पहले उसको हम रिंस आउट करेंगे। शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले इसी प्रोडक्ट को अच्छे से निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आप इस प्रोडक्ट को नहीं निकालोगे, सीधा SOS लगाओगे तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इस वाले बालों पे उस प्रोडक्ट की लेयर बनी हुई है अभी। ठीक है गाइस, तो ये SOS में बताया तो ये एज अ प्लेक्स की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपको पता है ओला प्लेक्स वेला प्लेक्स होता है, इसी तरीके से ये प्रोडक्ट है। प्लेक्स बोन कंस्ट्रक्शन करता है ये, और जो बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और हेयर में एक अच्छी साइन और स्ट्रेंथ दोनों ही देता है। देखिएगा इस प्रोडक्ट अच्छे से हम निकाल लेंगे, नैप एरिया से लेके क्राउन एरिया से लेके सारे साइड बाय साइड सारे अच्छे से निकालने के बाद प्रोडक्ट को हम लेंगे SOS। ये देखिए SOS हमने लिया है, हाथ पे निकाल लेंगे पहले अच्छे से हम, और देन गाइस हम अच्छे से हेयर पे पूरे हेयर पे अच्छे से लगा देंगे। और गाइस ये 20-20 मिनट तक हमें प्रोडक्ट रखने हैं, फर्स्ट वाला 20 मिनट हम लगा के छोड़ देंगे। अब 20 मिनट के बाद जो इसका स्टेप टू है SK का एंजॉय मास्क, वो हम लगाएंगे। देखिए गाइस 20 मिनट हो चुके हैं। ठीक है गाइस, ये नहीं कि साथ ही साथ लगाना है, वीडियो है इसमें नहीं पता चल रहा हमने वेट किया है नहीं किया, तो हमने 20 मिनट रखा है वो SK का, उसको हमने रिंस आउट किया है, फिर हम ये SK का मास्क लगा रहे हैं अच्छे से। उसको जो SOS लगाया था उसको हमने रिंस आउट कर दिया, अब हम लगा रहे हैं मास्क, और इस मास्क को भी आपको 20 मिनट रखना है। ठीक है गाइस, टोटल जो स्टेप टू है, स्टेप थ्री है, SOS और उसका मास्क, दोनों को 20-20 मिनट की टाइमिंग चाहिए। आफ्टर 20 मिनट बाद हमें सिर्फ रिंस करना है, देन हम हल्के सा हाथों पे सीरम लेंगे और अच्छे से हेयर पे लगा देंगे। सीरम के बाद गाइस बस हमने कुछ भी नहीं करना है, हमारा जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आपको हेयर सुखाने के बाद ब्लो ड्रायर की भी ज़रूरत पड़ेगी या प्रेसिंग की, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट बालों को आपको सुखाना है, फिंगर ड्रायर करना है जैसे कि देखिए हम कर रहे हैं, अच्छे से बालों को सुखा देना है 100%। और आपको मीडियम कूल हीट, ऐसा नहीं फुल्ली हीट पे आपको हेयर को सुखाना है, और आपको मैं फाइनल रिजल्ट भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके का हमारा फाइनल रिजल्ट आया है। आपको दिख रहा होगा कि बालों में साइन भी आई है और फ्रिजनेस भी ख़त्म हो गई है। अच्छे से सेक्शन बाय सेक्शन फिंगर से ही निकाल के आपको ड्रायर करना है, फिंगर ड्रायर करना है, कोई भी मतलब ब्रश आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई नीड भी नहीं पड़ेगी आपको कि कोई ब्रश यूज़ करोगे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है हेयर को स्ट्रेट मिल चुका है। और ये सेम डे वॉश है आपको, जैसा कि हमने दिखाया, ये ऐसा नहीं कि परसों क्लाइंट को आना है या कल आना है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सेम डे में। लेंथ ही है, थोड़ा हार्ड है करने में, मतलब टाइम कंज्यूम और प्रेसिंग में मेहनत है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। सो गाइस फाइनल रिजल्ट हम आपको दिखाते हैं सुखाने के बाद, और गाइस ये हमारा फाइनल रिजल्ट, प्रॉपर तरीके से हेयर सूख चुके हैं, और कलर भी देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गाइस वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है, और आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो इतनी कि किस तरीके से मतलब जो है आपको वीडियो लगी है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो गाइस ये हमारी फाइनल लुक, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लगा है मुझे, और आपको कैसा लगा ये कलर और ट्रीटमेंट का रिजल्ट कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।